तो भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी का स्वागत कैमूर जिले के मोहनिया में पुष्प वर्षा कर किया गया। उन पर बुलडोजर से फूलों की वर्षा की गई तो सम्राट चौधरी एक कार्यक्रम के सिलसिले में कैमूर जा रहे थे। सम्राट चौधरी ने कहा कि राज्य में भाजपा की सरकार बनाएंगे तो एक बात तय है कि भ्रष्टाचारियों को जेल जाना पड़ेगा। उन्होंने कहा कि भाजपा ने लालू प्रसाद को सीएम बनाया है, नीतीश कुमार को 5 बार मुख्यमंत्री बनाया है, अब बिहार की जनता ने तय कर लिया है कि अब भाजपा का नेता सीएम बनेगा। उन्होंने कहा कि एक बार भाजपा की सरकार बनाइए या तो अपराधी नेपाल भाग जाएंगे या गया में पिंडदान होगा, अपराध मुक्त बिहार बनाना है। सम्राट ने कहा कि बिहार में सुशासन एक खत्म हो गया है, कोई जिला नहीं है जहां अपराध रोज की बात नहीं हो। जिंदाबाद जिंदाबाद। तो हम प्रदेश से फिर बड़े नेता को आपके बीच में राज्य दर्जा लेकर नीतीश जी कह रहे हैं कि 2 साल का समय मिलेगा तो गरीब देखिए, ये सोच का दिक्कत है। पहले नीतीश कुमार जी ने कहा कि 100 साल में जीवने खत्म हो जाए। नीतीश बाबू क्या कहते हैं ये वही जानते हैं। मेरा तो आग्रह है कि वो विशेष आराम कर ले, तभी बिहार का कल्याण हो जाए। देखिए, नीतीश जी से हुआ क्या है, 18 साल मुख्यमंत्री रहने के बाद कुछ नहीं कर पाए, अब क्या करेंगे। भीम सांसद जेडीयू ने किया है पटना में, आप उसको किस रूप में देख रहे हैं? भीम सांसद जो हुआ है सत्ता का दुरुपयोग है। वो कह रहे हैं कि दिल्ली वालों को भीड़ देखना चाहिए, जिस तरह लोगों का आया हुआ है। सत्ता का दुरुपयोग है और कुछ नहीं है, कोई लाभ नहीं है बिहार की।